हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गत 4 सालों में शिमला के विकास और लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब शिमला नगर निगम के चुनाव नजदीक आ गए तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते शिमला शहर के लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द स्पष्ट करना चाहिए कि वह शिमला के नए डेवलपमेंट प्लान को कैसे लागू करेगी और लोगों को कैसे राहत प्रदान करेगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह स्पष्ट करे कि क्या डेवलपमेंट प्लान अधिसूचित होने के बाद यह सीधे लागू कर दिया जाएगा या फिर एनजीटी के पास ही जाना पड़ेगा। नरेश चौहान ने शिमला नगर निगम में नए वार्डों पर लोगों के सुझाव और आपत्तियों पर भी सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि क्या सरकार उन सुझावों या आपत्तियों पर कोई विचार कर रही है जो बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को नए वार्डों के गठन को लेकर लोगों के सुझावों और आपत्तियों पर गहनता से विचार करना चाहिए। नरेश चौहान ने नगर निगम के प्रस्तावित बजट को महज एक औपचारिकता बताते हुए कहा कि अब जबकि नगर निगम का शेष कार्यकाल बहुत ही थोड़ा रह गया, ऐसे में बजट का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि नगर निगम पिछले साल का भी अपने बजट का उपयोग नहीं कर सकी और लोगों में इसके लिए भाजपा शासित नगर निगम के खिलाफ काफी रोष है। उन्होंने दावा किया कि शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। यूडी मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी पिछले कई दिनों से अपने बयान दे रहे हैं और मीडिया में भी मैंने देखा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर उन्होंने बड़े एक उपलब्धि के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत किया कि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने डेवलपमेंट प्लान शिमला के विकास के लिए तैयार किया है। तो हमारा कुछ कंसर्न है जो शिमला के जनता का भी है, वो भी जानना चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट प्लान जो अभी फिलहाल लोगों के सजेशंस के लिए हैं या ऑब्जेक्शंस के लिए रखा है, उसके बाद इसको कैबिनेट में लेके सरकार नोटिफाई करेगी, तो क्या उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो एनजीटी के आदेश थे 2017 के उसका क्या स्टेटस रहेगा? क्या वो निरस्त हो जाएंगे खुद ही या सरकार को और मंत्री जी को ये बताना चाहिए? लोगों के मन में शंका है, हमारे मन में भी है कि इसका स्टेटस क्या रहेगा नोटिफाई करने के बाद। तो एनजीटी के आदेश ख़त्म हो जाएंगे खुद ही या उनको द्वारा से एनजीटी के पास जाना पड़ेगा? और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट डाली है, उसका क्या स्टेटस रहेगा? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शहर की जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं, हमारे भी ये बड़े सवाल हैं। या केवल ये मात्र एमसी का जो चुनाव है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, कहीं उसके मद्देनज़र केवल ये गुमराह करने वाली साजिश नहीं है? क्या आपको बताना चाहिए कि उसके बाद ये किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि एनजीटी के आदेश थे कि ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती और नॉन कोर एरिया में 2.5 मंजिल की जो बंदिश थी, तो क्या वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी या उसको लेके सरकार को द्वारा से एनजीटी की में जाना पड़ेगा? इस बार ये शंका मन में है लोगों के, तो मेरा ये सवाल है कि सरकार को बताना चाहिए। दूसरा सवाल है कि जो सरकार ने एमसी को चुनाव को लेके जो डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स किए हैं जिसमें 7 वार्ड्स बने हैं, तो उसका भी एक 17 तारीख तक जो थे ऑब्जेक्शंस का टाइम था, सुजेशंस का, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन किए, तो क्या सरकार उनको गंभीरता से लेगी, उस पर काम करेंगे? जो लोगों में कमियां नज़र आ रही है उनको सेटिस्फाइड किया जाएगा, उस पर काम होगा या खाली उनको इग्नोर किया जाएगा? एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि बहुत बड़े लेवल पे उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर काम करे, उनको दूर करे, जो इसमें कमियां रह गई उसको दूर करे।